नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता की गलियारों से, गांव की गलियों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम खबरों के सिलसिले में हम बताएंगे आपको कि कैसे हो रही है त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के साथ सियासत, उन्हें ठगा जा रहा है। और आरसीपी सिंह का जदयू से इस्तीफा, उन्होंने कहा जदयू डूबती हुई नाव है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा और जदयू में तकरार भी है, और कांग्रेस का हमला है कि जदयू को तोड़ने के लिए भाजपा ने बनाए फुल प्रूफ प्लान, क्लीन बोल्ड होने लगी है पार्टी के नेता। वहीं राजनीतिक कालिदास बन जदयू की छवि धूमिल कर रहे हैं कुछ नेता। आरसीपी किस तरफ से सहयोगी कन्हैया का जवाब। और इधर अगर हम बात करें तो बीपीएससी पेपर लीक में फंसे डीएसपी ने बनाई बड़ी संपत्ति, और वैशाली में शराब पीने से 6 की मौत, 15 बीमार, सिलसिला रुक नहीं रहा है। और इधर गंगा में नाव ब्लास्ट, जी हाँ, नाव में सिलेंडर ब्लास्ट, 4 की मौत। तो खबर पर नजर डालते हैं तमाम खबरों पर कि कौन सी खबरें आज ट्रेंडिंग में है। तो ट्रेंडिंग में खबर यह है कि भारत के पहलवानों का जलवा दिख रहा है कॉमनवेल्थ गेम में। 1 घंटे में, महज 1 घंटे में, शनिवार को उन्होंने 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कुश्ती में अब तक 12 मेडल भारत के नाम, देश के नाम आ चुका है। वहीं अविनाश को लॉन्ग डिस्टेंस में सिल्वर, ऐसे पहले एथलीट बने हैं अविनाश जिन्हें लॉन्ग डिस्टेंस में सिल्वर मेडल मिला है। उदयपुर के गांवों में फोटो दिखाकर बेच रहे हैं बेटियां, 1.5 लाख रुपए में लग रही है बोली। बांसवाड़ा की ऐसी ही 12 बच्चियां बिकने के लिए केरल पहुंची। बच्ची को सो पुलिस की तरह खड़ा कर बोला, मेरी बेटी है, उम्र 15 साल, 1 लाख रुपए से कम नहीं लूंगा, 8वीं पास होते ही करवा दूंगा शादी, दलाल बोला। और दाम मंजूर है तो लड़की को अभी ले जाओ पिता, बेटी को मुक्त कराया फिर बेचने की तैयारी। जी हाँ, राजस्थान के उदयपुर जिले से दिल दहला देने वाली और समाज को धूमिल करने वाली यह खबर सामने आई है। और भारत के विरोध पर श्रीलंका ने हनबनटोटा बंदरगाह आने से रोका चीन का जहाज, चीनी जासूसी जहाज को रोक दिया है। और देश को मिले हैं 14वें उपराष्ट्रपति, धनखड़ उपराष्ट्रपति, पिछले 6 चुनावों में यह सबसे बड़ी जीत है। धनखड़ को 528, अलवा को 182 वोट मिले हैं। विपक्ष में फूट, धनखड़ को वेंकैया नायडू से ज्यादा वोट मिला है। और फिल्म निर्माताओं के यहाँ 200 करोड़ काले धन का खुलासा। और पाकिस्तान अब बाज नहीं आ रहा है, सभी रास्ते बंद हुए, तो बिटकॉइन के जरिए कर रहा है आतंकियों को फाइनेंस। और वहीं आरसीपी प्रकरण पर विपक्ष ने साधा जदयू और भाजपा पर निशाना। कांग्रेस ने कहा जदयू को तोड़ने के लिए भाजपा के बनाए फुल प्रूफ प्लान पर क्लीन बोल्ड होने लगे पार्टी के नेता। तो आरसीपी के तरफ से सहयोगी कन्हैया का जवाब, राजनीतिक कालिदास बन जदयू की छवि धूमिल कर रहे हैं कुछ लोग। वहीं आरसीपी सिंह का जदयू से इस्तीफा ट्रेंडिंग में है, चर्चा में है। बोले ये डूबता हुआ जहाज है, जदयू डूबता हुआ जहाज है। आरसीपी सिंह ने कहा समर्थकों से बात कर तय करेंगे कि कहाँ जाएंगे। आरोपों पर कहा इमेज खराब करने की साजिश, पर मनोबल नहीं टूटेगा। हम आपको बता दें कि ज्यादा कयास यह लगाया जा रहा है कि आरसीपी भाजपा में शामिल होंगे। और वहीं 1,56,000 स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की प्रोत्साहन राशि 3 साल से अटकी, राजभवन सरकार की भी नहीं सुन रहे। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई थी योजना, लेकिन विश्वविद्यालयों की मनमानी के चलते छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। और वही मुख्य न्यायाधीश का 7 VC का आदेश, 14 कॉलेजों की मान्यता खत्म करके बताए हाईकोर्ट में इसकी रिपोर्ट दें। और ताइवान के मिसाइल कार्यक्रम के डिप्टी चीफ का शव मिला है, यह चीन और ताइवान में जिस तरह से चल रहा है, डिप्टी चीफ का शव मिलना
तनाव बढ़ाने वाली घटना है। और वही नाव के इंजन में डीजल की जगह भरे पेट्रोल को निकालने के क्रम में हुआ हादसा। पटना में नाव में सिलेंडर ब्लास्ट में 4 की मौत हो गई है। अभी मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। और वहीं अगर बात करें तो पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को ठगने का काम कर रहा है। इसे जनप्रतिनिधियों में काफी खासा आक्रोश है। एक तरफ पंच और सरपंच का 5 तारीख का धरना हुआ है। पंच सरपंच को जैसा बताया गया था वैसा अधिकार नहीं मिला है। विकास कार्यों में कहा गया था कि विकास कार्यों में ग्राम पंचायतों के साथ ग्राम कचहरियों के भी भागीदारी रहेगी। लेकिन चुनाव के 6 महीने बीत जाने के बाद भी सरपंच और पंच को नए अधिकारों की बात क्या कहें, पुराने अधिकार भी पूर्णतः नहीं मिले हैं। वहीं वार्ड सदस्य जो हैं, वार्ड क्रियान समिति के सदस्य और मुखिया जी की बात कर रहे हैं, तो वार्ड क्रियान समिति को अभी तक पूरे अधिकार नहीं मिले हैं। बहाना यह बनाया जा रहा है कि उसका गठन नहीं हुआ है। हालांकि जो मीडिया में बातें आ रही हैं, आदेश पे आदेश जारी किए जा रहे हैं सख्त हिदायत दे दिया जा रहा है सभी पंचायती राज जिला पंचायती राज पदाधिकारियों के कल्याण समिति का गठन कर लें तो ऐसे पैसे आएंगे, तो सफाई के लिए पैसे आएंगे, लेकिन मिला अभी तक कुछ नहीं है। ऊपर से वार्ड कल्याण समिति के सदस्यों को कहा जा रहा है कि आप स्थानीय स्तर पर घर घर से नल जल के लिए 30 रुपया वसूलिए और दूसरी तरफ सफाई के लिए भी 30 रुपया वसूलिए। तो ऐसे में वार्ड सदस्य कह रहे हैं कि मैं वादा करके चुनाव लड़ा था, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों से पैसा मांगने जाएंगे तो कैसा लगेगा। तो लेकिन इस पर पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मसौदा तैयार हो गया है, 15 अगस्त के बाद पंचायतों के खाते में राशि आ जाएंगे। और इधर मनरेगा में भी वार्ड सदस्यों को कुछ विशेष काम करवाने के लिए एक नया मसौदा तैयार किया जा रहा है। वही दानापुर में गंगा स्नान के दौरान 2 दोस्त डूबे, नहीं मिला शव। और टीएमबीयू और मुंगेर विश्वविद्यालय के 26 शिक्षक व 67 कर्मी हटेंगे। 35 साल सेवा करने के बाद अब सरकार ने अवैध बताया है। पूर्व एडीएम जय श्री ठाकुर को बेटे के 5 भूखंडों को ईडी करेगी जब्त। और बिहार के ज्यादातर नदियां खतरे के लाल निशान से ऊपर बह रही है। इग्नू में नए सत्र के से एम कॉम प्रोग्राम और 4 नए MBA प्रोग्राम शुरू। और आनंद कुमार को PhD की उपाधि से किया गया सम्मानित। जी हाँ, सुपर 30 वाले आनंद कुमार, जिनका मनसा था कि हम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएं, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं जा पाए। उनका सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे जरूरतमंद लोगों का सपना पूरा करने का काम किया है और सैकड़ों की संख्या में गरीब बच्चों को IITian बनाया है। और इधर हम बात करें तो भारत नेपाल के बीच रिश्ते मजबूत हो, इसके लिए दिल्ली तक पद यात्रा करेंगे। पद यात्रा बीरगंज के शेख मुन्ना ने शुरू किया यात्रा। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, 1 दर्जन से अधिक घायल। और चीन अपने दांव में उलझ गया। चीन ताइवान में तनाव के बीच युद्ध की वास्तविकता है कितनी। अमेरिका ने खुली चुनौती दी है, पर जंग छेड़ना चीन की बस की बात नहीं। ताइवान के लोग कतई डरे हुए नहीं है, वे रोजमर्रा के काम निपटा रहे हैं। और मृत खाते को चालू कर 3 करोड़ 45 लाख की हेरा फेरी, 14 सस्पेंड। जी हाँ, सहरसा और सुपौल के अलग अलग डाकघरों का मामला है, जो खाते मृत हो गए थे उन्हें चालू करके पैसे निकाल लिए गए हैं। घोटाले का मास्टरमाइंड पहले से था सुपौल डाकघर में। हेरा फेरी मामले में विभाग ने की CBI जांच के अनुशंसा अब तक 2,49,000 रुपये की रिकवरी हो गई है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।